एंड एक्स ब्यूटी से सुषमिता मैं क्वेर तो आज करने जा रही हूँ मैं पार्टी मेकअप। तो गाइस पूरा वीडियो देखें मैं कैसे करती हूँ, आपको भी स्टेप बाई स्टेप सीखने को मिलेगा और आप अच्छे से सीख भी जाएंगे। जैसे मेरी वीडियो का फॉलो करोगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे। मैं स्टेप बाई स्टेप ही करती हूँ, एक भी स्टेप कट नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली लेती हूँ और ये मेरा रियल वर्क रहता है शॉप का। जैसे मॉडल पर नहीं, मॉडल पर अलग से दिखता है उनकी एक्टिंग वगैरह, तो कस्टमर वो एक्टिंग नहीं करता, कस्टमर को डायरेक्टली अपना काम कराना होता है अपने अकॉर्डिंग। ये जो मेकअप है मैंने उसके अकॉर्डिंग ही किया। इनकी आई शेडो से लेके लिपस्टिक ब्लेशर बेस पूरा ही जो उन्होंने अपने पसंद के अनुसार कराया है इस तरीके से मैंने किया है। सबसे पहले कंसीलर लगाया है, उसके बाद फाउंडेशन, जो मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। गाइस आप देख सकते हो इस तरीके से आप भी अगर आप मेरी स्टेप फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा, सीखने का आसान तरीका है। तो गाइस मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा देखें और जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट करें ज़रूर। ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर चुकी हूँ, उसके बाद बनाना पाउडर लगा रही हूँ आइस के नीचे। तो गाइस आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं क्योंकि लीकेज नहीं होता है, स्क्रेच सी नहीं आती है, जो यहाँ लाइनिंग हो जाती है लाइनिंग हो जाती हैं वो नहीं होंगी आँखों के नीचे। उसके बाद ब्लेशर के ऊपर ही फिक्सर लगा रही हूँ। फिक्स लगाने के बाद हाईलाइट, क्योंकि मुझे थोड़ी मेरी आदत है बार बार टचअप करने की। मैं क्या है, दो तीन बार टचअप करती हूँ, बार बार फिक्सर लगाने के बाद टचअप करती हूँ, ब्लेशर लगाने के बाद टचअप करती हूँ, आई शेडो करने के बाद टचअप करती हूँ। तो दो तीन बार टचअप करती हूँ मैं, उसके बाद करने जा रही हूँ आई शेडो। वैसे उसको बिल्कुल लहंगे के अकॉर्डिंग आई शेडो चाहिए, बिल्कुल मीडियम। तो लहंगे के अकॉर्डिंग आई शेडो बनाई है गाइस, बिल्कुल मीडियम है, लाइट वेट है। उसके लहंगा मरून रेड है, इस वजह से हल्की रेड बनाई है। उसके ऊपर गोल्डन कलर लगाया है, उनकी पसंद है बाइन कलर का लिपस्टिक, तो बाइन में लिपस्टिक लाया है, ऊपर से टचअप कर दिया है नॉर्मल लिपस्टिक का। लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, ये करना ज़रूरी है, ब्रश वाली जल्दी निकल जाती है, नॉर्मल लिपस्टिक लगाओ उसके ऊपर से तो निकलती नहीं है, काफ़ी टाइम तक चलती है। लगा रही हूँ लाइनर, बिल्कुल पतला पतला लाइनर की डिमांड है उनकी, तो वो लाइनर भी कर चुकी हूँ। ऊपर से लिप बम शाइनिंग के लिए हर कस्टमर और ब्राइडल पर ही मैं करती हूँ लिप बम, उससे शाइनिंग रहती है। तो गाइस मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में मेरा मेकअप कैसा लगा, जितना हो सके इतना मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद शेयर कमेंट फॉर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना हो सके जितना मुझे सपोर्ट करना है और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।